तिरंगा हमारा है देश का, उसको 25 रुपए के दाम पर, देश का उसको 25 रुपए के दाम पर बेचा जा रहा है, मगर आप लोग जबरन इस तरह के काम करवा रहे हैं और 25 रुपए की बात कर रहे हैं। आप तो जिस कपड़े पे इस तिरंगे को बना, जिस कपड़े पे इस तिरंगे को बनाया गया है वो बहुत ही पुअर लेवल का है, जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से हार्डली 5 रुपए भी नहीं होगी, और जबकि वो जबरन लोगों के ऊपर 25 रुपए में दिया जा रहा है। मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि मैं बतौर प्रधान ये कहना चाहता हूं, हमारी पंचायत में भी झंडों को लेकर काफ़ी बवाल उठा है, जो तिरंगा हमारा है देश का उसको 25 रुपए के दाम पर बेचा जा रहा है। मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि आखिर ज़बरदस्ती इस कार्य को क्यों करवाया जा रहा है। आप बोल देते हर घर तिरंगा की बात होती, अगर ऑर्डर कर देते तो लोग अपने आप अपने घरों में तिरंगा लगा सकते थे, मगर आप लोग जबरन इस तरह के काम करवा रहे हैं और 25 रुपए की बात कर रहे हैं आप तो, जो और जो हमारे तिरंगे की बात है, तिरंगे की जो कपड़ा बनाया गया है, जिस कपड़े पे इस तिरंगे को बनाया गया है वो बहुत ही पुअर लेवल का है, और जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से हार्डली 5 रुपए भी नहीं होगी, और जबकि वो जबरन लोगों के ऊपर 25 रुपए में दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जब भी पार्टी के झंडे की बात आती है तो घर घर जाके मुफ्त में बांटे जाते हैं, और जब तिरंगे की बात आई, हर घर तिरंगा की जब बात आ रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, तो इस यहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है तिरंगे को लेकर। अगर बिजनेस भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि ये भी धमकियाँ दी जा रही है कि पैसे नहीं आएंगे तो हम लोग सेक्रेटरी की सैलरी कटा देंगे या फिर लोगों का राशन बंद करवा देंगे। इस तरह की जबरन वसूली जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे राइट हैं, फ्रीडम राइट है, वो कहीं ना कहीं दबते नज़र आ रहे हैं, कि एक तरफ हमारे आज़ादी के राइट दिए जाते हैं, स्वतंत्र भारत में रहने के राइट दिए जाते हैं, परंतु दूसरी तरफ हमारे से जबरन वसूली करके, तिरंगे को बेचकर जबरन वसूली करके हमारे राइट भी छीने जा रहे हैं।